चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको एक वेक्टर फील्ड गिवन है, आपको क्या करना है, आपको इसे इवेलुएट करना है बाय स्टोक्स थ्योरम, और सी आपको क्या है, कर्व आपको गिवन है, किस कर्व के अबाउट आपको क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना है। कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और z इज इक्वल टू 2 है। अब आप इस बात को समझिए, स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ वेक्टर डॉट डी आर का जो इंटीग्रेशन होता है किसी क्लोज्ड कर्व सी के लिए किसके बराबर होता है, ये होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर कर्ल एफ, ना सिर्फ एफ बल्कि क्या होगा, कर्ल एफ डॉट एन कैप डीएस के बराबर होता है। अब हमें सबसे पहले कर्ल एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर्ल एफ कैलकुलेट करते थे, चलिए कर्ल एफ कैसे कैलकुलेट होगा देखिएगा। कर्ल एफ इज इक्वल टू आई जे के कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, और साथ है ए की पावर एक्स है, देन टू वाई है, और देन क्या है माइनस ऑफ वन है। तो जब आप आई कैप का कोफिशियंट लिखेंगे, आई कैप के साथ क्या क्या आएगा, इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस वन का वाई के रिस्पेक्ट में जीरो और टू वाई का जेड के रिस्पेक्ट में भी क्या आ जाएगा जीरो, देन माइनस ऑफ जे, तो डी एक्स का माइनस वन का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जीरो और ई की पावर एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा जीरो। भाई ई की पावर एक्स का जेड के रिस्पेक्ट, यहां तो जेड है ही नहीं तो एक्स तो कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा तो कॉन्स्टेंट का तो जीरो हो जाएगा प्लस के कैप, फिर टू वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में और ई की पावर एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा जीरो। तो मेरे पास जो कर्ल एफ की वैल्यू निकल के आ रही है, कर्ल एफ की वैल्यू निकल के आ रही है सीधा सीधा जीरो, और अगर कर्ल एफ ही जीरो है तो मेरे पास ये वाली वैल्यू जीरो तो राइट हैंड साइड जीरो, तो मैं ये कह दूंगा कि एफ वेक्टर डॉट डी आर ही क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, कर्व सी के लिए सीधा सीधा जीरो निकल के आ रहा है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आपने कर्ल एफ कैलकुलेट किया तो जीरो आ गया, तो जो एफ डॉट डी आर है वो भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू इवेलुएट एफ वेक्टर डॉट डी आर, जहां पर एफ की वैल्यू आपको पता है और सी क्या है, सी इज द कर्व और बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस 0 0 0 1 0 0 और 1 1 0। अब देखिए जेड की वैल्यू तो पूरा ही कंप्लीटली जीरो है, मतलब जो मेरा ट्राइंगल लाए करेगा वो किस में लाए करेगा, जो मेरा ट्राइंगल बनेगा वो एक्स वाई प्लेन में लाए करेगा। ट्राइंगल कहां पर आएगा हमारा, एक्स वाई प्लेन में। तो जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है तो मैं z को एलिमिनेट करता हूँ, z को नहीं देख रहा मैं, तो x की वैल्यूज को और y की वैल्यूज को ही देखूंगा। तो 0,0 मेरा ओरिजिन हो गया, फिर 1,0 ये हो गया 1,0 और 1,1 थर्ड पॉइंट यहां पर आ गया, तो ये मेरा ट्राइंगल बन रहा है। और आप ये जानते हैं कि 0,0 और 1,1 ये तो स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 0 मेरी x एक्सिस है, तो y की लिमिट 0 से लेके कहां तक जा रही है, x तक जा रही है, और x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, x की लिमिट 0 से लेके कहां तक जा रही है, 1 तक जा रही है। भाई x की लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है, देखिए 0 है यहां पर x की लिमिट है 1, पर y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके y की लिमिट कहां जा रही है मेरे पास, y इज इक्वल टू, सॉरी ये y इज इक्वल टू x होगी, ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। तो अब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो एफ डॉट डी आर मैं जानता हूं किसके बराबर, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, क्योंकि जो मेरा ट्राइंगल है वो लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो मेरा जो एन कैप हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, के कैप के बराबर, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आएगा, जेड एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो वो के कैप हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। पर कर्ल एफ कैलकुलेट किया जाए, सबसे पहले कर्ल एफ, तो कर्ल एफ इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, इसके बाद है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, कोफिशिएंट्स हैं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स प्लस जेड, ये कर्ल की वैल्यू। आई कैप क्या आएगा इसका y के रिस्पेक्ट में, जब आपने i का कॉलम और रो हटा दिया तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा और इसका z के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
माइनस जे कैप, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अब देखिए जे का कॉलम और रो हटाएंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया? माइनस वन। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीरो। प्लस के कैप, के कैप जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा? यहां पर निकल के आ जाएगा सीधा सीधा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखिए के गए रो और कॉलम को हटाएंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? टू एक्स। फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टू वाई। ये कितना हो जाएगा? टू वाई हो जाएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। ये हो गया तो मेरे पास फाइनली जो, देखिए होता क्या है कि आपने ये एलिमिनेट कर दिया रो और कॉलम, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा माइनस, इसका वाई के रिस्पेक्ट में होगा, वो हमने कर दिया है। अब ये तो निकल के आ रहा है मेरे पास जे कैप और प्लस के कैप इंटू टू एक्स माइनस टू वाई। ये कर्ल एफ की वैल्यू है, कर्ल एफ की वैल्यू है। अभी कर्ल एफ डॉट एन कैप भी हमें करना है स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो कर्ल एफ डॉट एन कैप करेंगे और एन कैप मैंने आपको क्या बताया, के कैप के बराबर है। तो कर्ल एफ वेक्टर डॉट के कैप आपको निकालना पड़ेगा। तो जब के कैप के साथ आप डॉट करेंगे जे कैप प्लस के कैप 2x माइनस 2y का, किसके साथ? k कैप के साथ आप डॉट प्रोडक्ट, तो k डॉट j तो 0 होगा, k डॉट k 1 हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास? 2x माइनस 2y। अब आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट क्या आ गई आपकी? dx और dy आ गई। y की लिमिट पहले लगाएंगे हम, y इज इक्वल टू 0 से लेके x है, x की लिमिट 0 से लेके 1 है, तो जब आप y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy माइनस टू वाई स्क्वायर बाय टू, लिमिट जीरो से लेके एक्स, टू से टू कैंसिल आउट, अपर लिमिट पुट करोगे। अच्छा अभी जीरो से लेके वन लगेगी लिमिट और एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना बाकी है, तो अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट पुट करो, तो एक्स पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना? टू एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी एक्स पुट करोगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, लिमिट लगाइए जीरो से वन डी एक्स। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, जीरो से वन लिमिट। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, जीरो से लेके वन लिमिट, तो सिर्फ वन पुट करेंगे तो वन बाय थ्री आंसर आ जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो जीरो, तो वन बाय थ्री माइनस जीरो वन बाय थ्री बचेगा, जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रेशन को मैंने सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, कर्ल एफ निकाला, डॉट एन कैप किया, एन कैप क्या हो जाएगा? के कैप के बराबर, क्योंकि ट्राइंगल सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट किया तो ये निकल के आया। अब इसका इंटीग्रेशन पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया, लिमिट पुट कर दी, फिर हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, लिमिट पुट कर दी, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया? वन बाय थ्री निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस टू एक्स वाई जे कैप इंटीग्रेटेड अराउंड द रेक्टेंगल जेड इज इक्वल टू जीरो एंड बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बी। अब इसका मतलब साफ साफ है कि जो आप रेक्टेंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स आपका जीरो से लेके कहां तक जाएगा आपसे कहा जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके ए तक, और वाई इज इक्वल टू जीरो से लेके कहां तक जाएगा बी तक, मतलब आपका ये रेक्टेंगल बनेगा। ये पॉइंट मेरा हो जाएगा ए कॉमा बी, हालांकि ये पॉइंट है ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट है जीरो कॉमा जीरो, और ये जो पॉइंट है यहां पर एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू बी, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब आप ये जानते हो कि जब आप लाइन इंटीग्रेशन करोगे यहां पर पाथ आपका चेंज हो रहा है, तो कभी डीएक्स जीरो होगा कभी डीवाई जीरो होगा। कहां पर डीएक्स जीरो होता है देखिए मैं लिख देता हूं, जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं तब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जीरो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जीरो। जब आप x एक्सिस के अलोंग ऊपर की ओर सॉरी y एक्सिस में मूव करते हैं तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ x क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब dy जीरो है तो आपका जो यहां पर x होगा, x तो आपका जीरो से लेके a तक चेंज हो रहा है, पर y आपका क्या है? y आपका कांस्टेंट है। dx जीरो है तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ x जीरो, मतलब x आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ y जीरो है मतलब y आपका कांस्टेंट है, y क्या हो चुका है? b। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स जीरो है तो एक्स आपका कांस्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू क्या है? जीरो से लेके जीरो है।
बाकी सबकी, यहाँ पे y जीरो है तो x की लिमिट आप पुट करोगे जीरो से a, यहाँ पर अगर आपका x इज इक्वल टू a है तो y की आप लिमिट पुट करोगे, यहाँ पर आप फिर से x की लिमिट और यहाँ पर आप फिर से y की लिमिट्स पुट करोगे। पर स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट dr किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर, ये f वेक्टर डॉट n कैप, सॉरी कर्ल f वेक्टर, कर्ल f वेक्टर डॉट n कैप ds के बराबर होता है। तो मैं स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई तभी हो पाएगी जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे, पहले मैं लाइन इंटीग्रेशन करूंगा फिर मैं सरफेस इंटीग्रेशन करूंगा। अब देखिए, लाइन इंटीग्रेशन करने के लिए पहले f वेक्टर डॉट dr निकालेंगे, तो f वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्या होगा, देखिए f वेक्टर आपके पास है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर i कैप प्लस 2xy j कैप। अब जब आप dr के साथ डॉट करेंगे तो dr का मतलब क्या होगा, dxi कैप प्लस dy j कैप, ये हो जाएगा। तो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy, ये निकल के आ रहा है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सपोज f, ये मैं से बोल देता हूँ, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसको मैंने k बोल दिया, तो हमें k का इंटीग्रेशन करना है। पहले ये पॉइंट अगर a है, ये पॉइंट अगर b है, ये पॉइंट अगर c, ये पॉइंट अगर d, तो पहले मैं k का इंटीग्रेशन करूंगा a से लेके b तक, फिर मैं करूंगा प्लस k का इंटीग्रेशन b से लेके c तक, फिर मैं करूंगा c से लेके a तक, सॉरी c से लेके d तक, और फिर मैं करूंगा d से लेके a तक, चार बार इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ए बी के लिए करते हैं। तो जब आप ए बी के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब आप a से लेके b तक के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर y 0 dy 0 रखो, तो dy और y अगर 0 हो गया तो मेरे पास बचेगा सिर्फ x square dx, x square dx बचा है। अब x square dx है तो x की लिमिट कहां से कहां तक है, तो आप कहोगे सर x की लिमिट 0 से लेके a तक है, 0 से लेके a तक, पहला पार्ट ये हो गया। फिर b से c तक की बात करते हैं, तो b से c तक आप कहोगे कि सर dx 0 है और x की जगह a रखो, तो dx मेरा 0 हो गया और x की जगह मैंने a रखा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ay dy, y की जगह लिमिट लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, y की लिमिट है 0 से लेके b तक, y की हमने लिमिट लगाई, प्लस c से लेके d तक के लिए आप कहोगे सर dy 0, y की जगह b रखो, तो dy 0 और y की जगह मैं b रखूंगा तो मेरे पास बचेगा x square minus b square dx, लिमिट लगेगी x की, x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, a से लेकर 0 तक जा रही है, a से लेके 0 तक, लास्ट पार्ट ये d से लेके a तक dx 0 और x भी 0, तो जब dx भी 0 है x भी 0 है तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से a क्यूब, सॉरी 0 से a, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 2a, क्या हो जाएगा 2a y का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगेगी 0 से लेके b, प्लस यहां पर x के रिस्पेक्ट में होगा x क्यूब बाय 3 माइनस b स्क्वायर x, लिमिट क्या लगेगी a से लेके 0, ये हो गया। तो हम जैसे लिमिट पुट करेंगे देखिए क्या क्या निकल के आ जाएगा, सबसे पहले a क्यूब बाय 3, a क्यूब बाय 3 लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर पुट करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, अच्छा 2 कैंसिल आउट हो चुका है तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए बी स्क्वायर हम लिखेंगे। लोअर लिमिट आप वैसे 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, यहां पर जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो पूरा का पूरा 0, अपर लिमिट पुट किया 0 माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाय 3 माइनस बी स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे ये निकल के आ रहा है ए क्यूब बाय 3 प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बाय 3 माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आ रही है 2ab स्क्वायर। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2ab स्क्वायर। अब हमें राइट हैंड साइड कर्ल fb कैलकुलेट करना है,
एन कैप की जगह मैं जानता हूं क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में लाया कर रहा है, तो एन कैप के कैप के बराबर होगा। तो अब हम करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, और सरफेस इंटीग्रेशन भी अगर 2ab स्क्वायर के बराबर आ गया तो स्टोक्स थ्योरम हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं इक्वल। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले कर्ल एफ कैलकुलेट किया जाए, कर्ल एफ। तो कर्ल एफ आपका हो जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं? एक है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर है टू एक्स वाई, और इसका कोफिशिएंट क्या है? जीरो। के का कोफिशिएंट जीरो है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी आई कैप, रो और कॉलम हटाइए तो ये तो जीरो हो गया। इसका डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। देखिए आई का कॉलम और रो हटाया तो इसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में, दोनों ही क्या हो गया? जीरो। माइनस जे कैप, अब जे कैप वाली बात है तो इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो ये तो जीरो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में फिर से क्या हो गया? जीरो। बचा के कैप, तो रो और कॉलम हटाया तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा टू वाई। माइनस इसका करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? अगेन माइनस ऑफ टू वाई, ये निकल के आ रहा है। तो कुल मिला के मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई? टू वाई टू वाई, तो ये हो गया फोर वाई के कैप। ये एफ वैक्टर, सॉरी कर्ल एफ की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है, कर्ल एफ मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? फोर वाई के कैप। अब कर्ल एफ का हमें क्या करना है? डॉट करना है एन कैप के साथ, और एन कैप किसके बराबर? के कैप के बराबर। क्यों एन कैप के कैप के बराबर? क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर जो आएगा जेड एक्सिस के अलोंग आएगा, तो के कैप हो गया। तो जैसे ही आप के कैप के साथ करेंगे फोर वाई के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ, तो के डॉट के वन होता है, तो बचा क्या? फोर वाई। अब हमें फोर वाई का इंटीग्रेशन करना है, वो भी कौन सा? सरफेस इंटीग्रेशन करना है। तो सरफेस इंटीग्रेशन में आप ये जानते हो 4y लिमिट x की भी लगेगी और लिमिट y की भी लगेगी। तो y की लिमिट क्या होगी? y हमारा जा रहा है कहां से कहां तक? y की वैल्यू है 0 से लेके b, और x की वैल्यू है 0 से लेके a। 0 से b है y की लिमिट, 0 से लेके a है x की लिमिट। तो जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा 4y स्क्वायर बाय 2। लिमिट आप क्या लगाओगे? जीरो से लेके बी। अभी एक्स की लिमिट मेरे पास बची है जीरो से लेके ए, डी एक्स बचा है मेरे पास, तो टू से टू कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं, वाई की जगह मैंने बी पुट किया, टू मेरे पास बचा था, टू बी स्क्वायर। जीरो से लेके ए लिमिट, और क्या आएगा यहां पर? जीरो से लेके ए लिमिट है और मेरे पास बचा हुआ है सीधा सीधा डी एक्स। अब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट क्या है? 0 से लेके a, अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो 2b स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करेंगे a, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर इनटू a, और ये भी तो क्या निकल के आ रहा था? 2b स्क्वायर इनटू a। 2b स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो? 2ab स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई, मतलब हमने स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई किया। तो जब लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए लाइन इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि आपको पाथ की वजह से लिमिट हर बार चेंज हो रही है, कभी dx 0 कभी dy 0, इसीलिए स्टोक्स थ्योरम यूज होता है कि लाइन को हम किस में? सरफेस में कन्वर्ट करें। सरफेस में आपने कर्ल निकाला तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन में पाथ के अकॉर्डिंग आपको हर बार लिमिट चेंज करनी पड़ती है। पर हमें वेरीफाई करने को कहा था तो हमें दोनों कैलकुलेट करना है, पाथ के अकॉर्डिंग हमने लिमिट्स भी चेंज करी, इंटीग्रेशन किया तो 2ab स्क्वायर आया। पर जब हमने कर्ल एफ निकाला उसका डॉट किया किसके साथ? k के साथ, तो हमारे पास 4y आया, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, देन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 2ab स्क्वायर निकल के आ रहा है। दोनों इक्वल है तो स्टोक्स थ्योरम आपका वेरीफाई होगा।